स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोल अचीवर्स में। और ये लेक्चर है आपका मैथ्स का, जिसमें हम इंटीग्रेशन के अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलने वाले हैं, एंड दैट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, उसके काफ़ी सारे मेथड्स देख चुके हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन भी मोर एंड लेस वैसा ही होता है, सिर्फ एक लिमिट्स इसमें एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। अभी हम उसको देखेंगे कैसे करना होता है उसको। बाकी ये आपका इंटीग्रेशन का है पार्ट नंबर 8, एंड इन टोटल लेक्चर नंबर 23 है। एंड ये इंटीग्रेशन का आपका लास्ट ही लेक्चर होगा। आई नो कि मैंने आपको बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स या इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस नहीं दिए हैं सॉल्व करने के लिए। रीज़न इज़ दैट कि उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको क्लास में इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूँ। तो बाकी मैंने आपको सोर्स बता दिया था, आप वहाँ पर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ सकते हैं। दिस इज़ वॉट कैन आई सजेस्ट यू गाइज, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस करवा पाना क्लास में पॉसिबल नहीं है। अगर टाइम होगा लास्ट में तो मैं ज़रूर बिल्कुल देखूंगी, बट फिलहाल मेरा फोकस है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँ ताकि आप प्रैक्टिस खुद भी कर सकें। ओके तो अभी मूव करते हैं, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। एंड देन तो गाइज, जैसे आप लोग को इंटीग्रेशन मैंने स्टार्ट करवाया था, तब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं हमारे। एक था हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, जिसमें हमें नहीं पता होता हमारा कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। एक होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में हमारा कुछ भी रिजल्ट आ सकता होता है। प्लस इसमें एक सबसे आपको एक ट्रिक हिंट मैं देती हूँ उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की। अगर आप ना इंटीग्रेशन से ऑप्शंस पे नहीं पहुँच पाओ और आपके पास टाइम हो, तो आप ऑप्शंस को ना डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दिया करो। वो ज़्यादा इजी मेथड होता है और आप फाइनली इस रिजल्ट पर आ जाओगे जिस भी क्वेश्चन से आप आ पाओ, ठीक है। इसीलिए ये बहुत बड़ा रीज़न है कि इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कम देखने के लिए मिलते हैं, अगर आप थोड़े अच्छे लेवल के एग्जाम पे जाते हो। क्योंकि रीज़न इज दैट इंडेफिनेट इंटीग्रल में आप ऑप्शन से क्वेश्चन पे आ सकते हो, और डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, आपको एक लिमिट लग जाती है, तो आप ऑप्शन से वापस क्वेश्चन पर नहीं आ सकते, ठीक है। एंड इसमें इंडेफिनिट में आप ऑप्शन से क्वेश्चन पर आ सकते हो। बाकी कैसे सॉल्व कर सकते हो उसके लिए मैंने आपको बहुत से फॉर्मूलाज बताए हैं, बहुत से मेथड्स बताए हैं, लाइक सब्सिट्यूशन हो गया, आईलेट हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हो गया आपका, और भी बहुत कुछ इसमें मैंने आपको बताए हैं। बेसिक मतलब मेन आपको क्या किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं वो मैंने आपको सिखा दिए हैं। बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा अच्छी तरह आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता लग जाएगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। अब ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं ना, सेम यही तरीके यूज़ होते हैं आपके डेफिनेट इंटीग्रल्स में, ठीक है। सपोज़ आपको एक कॉस एक्स दिया है या साइन एक्स कॉस एक्स दिया है, इस तरह से इसको सॉल्व करने का आपका जो मेथड आपने डेफिनेट में इनडेफिनेट में यूज़ किया था, वही मेथड आप डेफिनेट इंटीग्रल में यूज़ करेंगे। सिर्फ क्या फ़र्क आ जाता है, इसमें एक कुछ लिमिट लग जाती है। लिमिट लगने का क्या मतलब हो गया कि पहले आपका ये एक सपोज फंक्शन है, इसको आप फुल रेंज के लिए कहीं तक भी आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, कुछ नहीं पता है। लिमिट लगाने का मतलब हो गया इस बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है। इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व, तो आप इस बीच का एरिया निकाल रहे हो, एक प्रॉपर जगह दे दी आपको, ठीक है। तो ये होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे करते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, मैंने आपको क्या बताया, यही सारे मेथड्स हमारे यूज होने होते हैं। जैसे अब सपोज़ मैं आपको देती हूँ 2 to 4 एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको आप कैसे करेंगे। हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन का, एक्स एन वाला, एक्स एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, इसको आप लिख सकते हो एक्स क्यूब बाई थ्री। एंड ये जो लिमिट होती है आपकी ना, इसको कैसे पुट करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आई नो आपको आता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ जब सब कुछ बता ही रही हूँ। 2 and 4 ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमारा ये जो एक्स है जिसके रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट किया है, हम इसको बोलते हैं अपर लिमिट, एंड ये होता है आपका लोअर लिमिट, जो नीचे वाला लोअर लिमिट, ऊपर वाला अपर लिमिट। तो ये जो आपका एक्स है ना, इसकी जगह हम पहले पुट करते हैं अपर लिमिट 4 cube by 3, पूरा फंक्शन लिख देंगे हम, ये पूरा फंक्शन सिर्फ अपर लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे हम इस एक्स की जगह, माइनस अगेन हम पूरा फंक्शन एज इट इज़ लिखेंगे, सिर्फ इस एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, लोअर लिमिट। और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका आंसर, 64/3 -8/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 64 - 8 = 56/3, ठीक है, प्लस से। बाकी अगर आपको सिर्फ ये इनडेफिनिट में करना होता तो आपका आंसर क्या आ जाता, आपका आंसर आ जाता x³/3 + c।
ये आपका इनडेफिनिट का आंसर था। डेफिनेट में क्या किया, हमने एक लिमिट दे दी कि इस बीच में हमें इंटीग्रेट करना है, तो हमारे एग्जैक्ट एग्जैक्ट आंसर आ गया। अब आप देखिए, अगर आपको ये पता है तो आप इससे घूम कर किसी भी तरह से इस पर आ सकते हैं, नहीं आ सकते ना डिफ्रेंशिएट करके। अगर मैं कहूँ मैं आपको इससे डिफ्रेंशिएट, सिंस हम इसको इंटीग्रेट करके यहाँ पहुँचे हैं तो अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके भी तो यहाँ पहुँच सकते हैं ना। लेकिन जब आपको इस तरह की वैल्यू आ गई है आपकी सॉल्व करके, तो आप ऑप्शन से वापस इस पर नहीं आ सकते। मगर इनडेफिनिट के केस में क्या होता है, हम ऑप्शन से वापस जा सकते हैं। ठीक है, कैसे जा सकते हैं, देखिए ये एक्स 3/3 है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/3 कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का आपका क्या आ जाएगा, 3x2, 3 से 3 कैंसिल, क्या रह गया x2। देखिए ये टर्म आ गया ना, यही टर्म यहाँ पे था। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शंस में आपको, क्वेश्चंस में आपको डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं इंस्टेड ऑफ इंडेफिनिट। बाकी मेथड सबका सेम होता है, सिर्फ क्या करना होता है, लास्ट में आपको जो फाइनल आंसर आ जाता है इंडेफिनिट का, उसमें आपको अपर एंड लोअर लिमिट पुट करके आंसर निकाल देना होता है। ओके, अब इसके क्वेश्चन आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप डेफिनेट इंटीग्रल और इंडेफिनिट इंटीग्रल दोनों के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगी, डोंट वरी। लेकिन क्वेश्चंस में जाने से पहले ना, अगर हमारे पास टाइम नहीं हुआ तो क्वेश्चंस को हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी, मतलब जो भी आपको बेसिक्स बताने हैं वो मैं बता चुकी हूँ। बाकी प्रैक्टिस करना तो आपके ऊपर है, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। मैं आपको कुछ एक शॉर्टकट रिजल्ट्स बता देती हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्टकट रिजल्ट्स, अब ये शॉर्टकट रिजल्ट्स क्या है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये थोड़े आपके ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, डायरेक्टली आंसर आ जाता है इनसे अगर आपको रिजल्ट्स याद हो। इंटीग्रेशन अगर आपको करना है, ऊपर है डिफरेंशिएशन, नीचे एक फंक्शन है आपका fx और ऊपर इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। तो एक हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया कि एक फंक्शन हो और साथ में उसका एक डिफरेंशिएशन भी गिवन हो, तो आप वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। लेकिन इस तरह का फंक्शन है तो इसका डायरेक्टली आंसर आ जाता है log fx plus c। ठीक है, चाहे तो आप इसको करके देख लीजिएगा। सपोज मैं आपको दे देती हूँ यहाँ पर, ऊपर लिख देती हूँ 2x, नीचे लिख देती हूँ x2 dx। इसको आपको सॉल्व करना है, देखिए तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिए, 2 को बाहर निकाल लीजिए, रह जाएगा आपका क्या x/x2। इसको देखिए x2 को हम क्या t मान लेंगे, यह आ जाएगा आपका 2x dx = dt। इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं dt, पूरे की जगह तो हम क्या पुट कर देंगे t/t। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका log t + c, और आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, t की जगह हम क्या पुट कर देंगे x2 + c। तो ये आपका log f(x) ही आ गया, देखिए आ गया ना। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट याद रखने का तरीका है, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा जो हमने सीखा है वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सिर्फ इतना टर्म गिवन है, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, लाइक ऊपर साइन एक्स दे देता नीचे कॉस एक्स होता, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे आंसर। ठीक है, ज़्यादा आपको उसमें सॉल्व करके देखने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हाँ, अगर साथ में और भी कुछ टर्म्स दे रखे हैं तो फिर आपका ये नहीं चलेगा, फिर आप कुछ और यूज़ करना पड़ेगा, मतलब प्रॉपर फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से जाना पड़ेगा। अब सपोज आपको इस तरह से लिखा है, ये है एक फंक्शन, ठीक है, एन इसकी पावर है n, और साथ में इस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में दे दिया है, तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आंसर क्या आता है, जो आपका फंक्शन था, ये फंक्शन, इसकी जो ये पावर थी, इसने +1/(n+1) + c, दैट इज, ठीक है, सिर्फ इसका इतना आंसर होगा कि अगर आपको इस तरह से दिया हो। बाकी आप कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, आपके आंसर्स आ जाएंगे। अब इंटीग्रेशन, ये मैं आपको लिखवा चुकी हूँ पहले, लेकिन फिर लिखवा देती हूँ। यहाँ पर एक फंक्शन है fx * इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे ये वाला, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, e^(fx), सिर्फ ये वाला, ठीक है, ये हट जाएगा। जैसे यहाँ पर भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट हट गया, यहाँ भी डिफरेंशिएशन का टर्म हट गया, यहाँ भी डिफरेंशिएशन का टर्म हट गया, फाइनल जो आपको ओरिजिनल टर्म था उसके बेसिस पर आंसर आ जाता है। ठीक है,
बाकी आपको ओरिजिनल टर्म जिस हिसाब से भी था, लाइक यहाँ पर नीचे था टर्म तो हमारा लॉग आ गया, यहाँ एन की पावर थी साथ में तो हमारा एन प्लस वन वाला फॉर्मूला लग गया, यहाँ पर ई था साथ में तो ई में हमारा इंटीग्रेशन एज इट इज रहता है तो वो लग गया हमारा यहाँ साथ में। ओके, नाउ फोर्थ ट्रिक इज ई की पावर एक्स। अच्छा आप लोग कहेंगे कि मैम ये तो सारी डेफिनेट इंटीग्रल वाली है, तो ठीक है आपका ये आंसर आ गया, इसमें फिर अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो, बाकी कुछ स्पेसिफिक आती हैं इसके लिए भी आपके, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी साथ के साथ ही लिखवा चुकी हूँ। इसका आ जाता है ई की पावर एक्स, आईलेट रूल पढ़ाया था ना उसके बाद लिख पाए थे कुछ मैंने आपको ट्रिक्स, शायद वहाँ लिखवाई हैं लास्ट के दोनों। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पर भी आपका सेम ई एक्स एज इट इज रहा और साथ में एफ एक्स मल्टीप्लाई में था तो ये मल्टीप्लाई में आ गया, एन प्लस सी जो डिफरेंशिएशन वाला टर्म था वो खत्म हो जाएगा। इसको सिर्फ हमारा यूज किस कब तक हमारा यूज रहेगा, सिर्फ फिगर आउट करने के लिए हमारी कौन सी फॉर्म है। ठीक है, ये चार आ गए समझ में, इनको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अपने फिफ्थ पे। मैं वीडियो पॉज करके इसको इरेज करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, और अगर e की पावर में आपका इंटीग्रेशन दे दिया है a बाई एक्स डी एक्स, ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन, अब सोचिए अगर ये आपको एग्जाम में इस तरह से दे देता है कोई फंक्शन e की पावर इंटीग्रेशन 2 बाई कॉस एक्स डी एक्स, तो ये अपने आप में आपको इसको सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, बट सिंस हमें इसकी डायरेक्ट ट्रिक याद है तो हम इसको बिल्कुल ट्रिक से कर देंगे, x की पावर a प्लस सी, दैट इज खत्म, बस इतना आंसर है इसका। ओके, अगर आपको ये ट्रिक्स पता होंगी तो आपके काफ़ी इजी हो जाता है एग्जाम में सॉल्व करना। उसके बाद एक आप देखिए, और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एफ डैश एक्स अंडर रूट एफ एक्स, अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, इससे पहले हमने देखा था इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन में एफ एक्स, हमने ये वाला देखा था। अब क्या है, हमारा एफ एक्स है लेकिन वो अंडर रूट में, तो ऐसे सिचुएशन में आंसर आता है टू अंडर रूट एफ एक्स। ठीक है, होता क्या है जब हमारा वन बाय एफ एक्स लिखा होता है कोई फंक्शन तो ये लॉग के फॉर्म में चला जाता है, लेकिन वन बाय अंडर रूट की फॉर्म में कोई फंक्शन होता है तो ये अंडर रूट टू एक्स आता है। ठीक है, अंडर रूट टू एक्स, तो इस तरह से ही आ जाता है। एंड मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएशन का जो है आपका फंक्शन ये सिर्फ फॉर्म को पता लगाने के लिए यूज़ होता है, बाकी फिर हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन है उसके हिसाब से हमारा आंसर आता है। नाउ द ऑप्शन नंबर 7, इस तरह के आपने देखे होंगे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इस पे आते हैं, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए इसका, इस क्वेश्चन का अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो देखिए आप इस तरह से देख सकते हैं, अगर आपको दे दिया जाए फंक्शन कॉस एक्स अपॉन में वन प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसका आपको बताना है। अब आप इसको अगर नॉर्मल तरीके से करने चलेंगे तो सोचिए कितना ट्रिकी हो जाएगा सॉल्व करने में, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन भी आपका आप लगाएंगे तो आपका कॉस स्क्वायर एक्स में आएगा, डायरेक्टली कॉस एक्स डी एक्स नहीं आ पाएगा, तो आपका काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ये वाला आपका, इसको अगर आप नॉर्मल सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप इस ट्रिक के हिसाब से क्या देखेंगे, आपको यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर में है और फिर ये जो आपका एफ एक्स है देखिए साइन एक्स, इसका आपको डिफरेंशिएशन है ऊपर दे रखा है कॉस एक्स, तो हमारा आंसर आ जाएगा सीधा क्या, टेन इनवर्स साइन एक्स साइन स्क्वायर साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। कितना सिंपल है, देखिए एक और फॉर्मूला आप इम्पोर्टेंट देखिए। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने, नेक्स्ट यहाँ तक की जो आपकी ट्रिक्स थी ये आपकी मेनली थी आपकी इनडेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड। ठीक है, बाकी अगर इसमें ये डेफिनेट दे देता है, सपोज़ यहाँ से ए टू बी कोई लिमिट लगा देता है तो आप यहाँ पर ए टू बी लिमिट लगाइए एंड देन सॉल्व कर लीजिए। ओके, अब कुछ ऐसे भी आगे ट्रिक्स आती हैं जिसमें आपका ऑलरेडी लिमिट लगा के डेफिनेट इंटीग्रल वो बन जाता है और उसके बाद उसमें ट्रिक लगा के उसका कुछ शॉर्टकट बनाया हुआ है। अब वो ट्रिक्स कौन सी हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं, ये यहाँ तक हमारी नॉर्मल ट्रिक्स हो गई, अब थोड़ी सी एडवांस लेवल की ट्रिक्स देख लेते हैं। इसको एक बार रेस करती हूँ उसके बाद फिर हम आगे ट्रिक्स और चेक करते हैं। आगे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट ट्रिक है अपने no.
सपोज अगर आपको अब एक तरह से फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको यू नो बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो कि आप इसमें अपना नॉर्मल फॉर्मूला लगाओ या ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो भी लग रहा है, एंड देन आप इसमें अपने लिमिट्स पुट कर दो, ठीक है। लेकिन एक तरीका और हमारा क्या है, एफ बी माइनस एफ ए, मतलब सिंपल आपने इसको इंटीग्रेट करा और जो सॉल्व करके आया एफ बी माइनस एफ ए, जो नॉर्मल आपका इंटीग्रेशन का डेफिनेट इंटीग्रल का फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब सपोज अगर आपको इस तरह से दे दिया जाता है लिमिट बी टू ए, अब लिमिट बी टू ए का क्या मतलब है, जनरली हमारी अपर लिमिट को हम बड़ा रखते हैं टू एन वन, एंड यहाँ पर हमारा कुछ भी सपोज ये फंक्शन है। अब सपोज इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा एक्स स्क्वायर बाय टू आ जाता है लिमिट वन टू टू, एंड जब फिर इसको सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर बाय टू माइनस वन का स्क्वायर बाय टू, दिस विल रिजल्ट इन आपका ये आ जाएगा फोर कैंसिल होकर टू, एंड ये वन बाय टू, ये पॉइंट फाइव आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 1.5 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा इस तरह से। बट अगर आप सपोज आपको इस फंक्शन की जगह सॉरी यहाँ तक का इस फंक्शन की जगह आपको दे देता है वो टू से लेके वन पे जाना है एक्स डी एक्स, कुछ फर्क नहीं आएगा, आप नॉर्मल ही सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको माइनस में आंसर आ जाएगा। अब माइनस में आंसर ना लाने के लिए या थोड़ा इजी उसको करने के लिए, बिकॉज इस तरह से आंसर अपना हैबिट पड़ी हुई होती है, हम क्या करते हैं लिमिट को उल्टा कर देते हैं। लिमिट को उल्टा कर देते हैं तो बाहर आता है साइन माइनस का। कई जगह सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका सॉल्व करने में इजी हो जाए, कई बार क्वेश्चन की डिमांड ऐसी होती है कि आपको करना पड़ता है, या आपके ऑप्शंस इस तरह से होते हैं कि आपको ये चीज़ करनी पड़ती है। तो आपका क्या होगा, अगर आप लिमिट को चेंज कर देंगे तो आपका यहाँ पर साथ में एक क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, माइनस का साइन आएगा तो ए टू बी एंड एफ एक्स डी एक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस एज इट इज़ ये आ जाएगा, एंड इतने फंक्शन और ये वाला जो फंक्शन था हमारा, इसका हमारा क्या था, उसको हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं हम। सपोज आपको इस तरह से गिवा है, सपोज अगर आपको कोई फंक्शन इस तरह से गिवा है जीरो टू ए, मतलब पहले क्या था ए टू बी आपकी लिमिट थी या बी टू ए कुछ लिमिट थी, अब आपकी लिमिट जीरो से स्टार्ट हो रही है, मतलब आपकी लोअर लिमिट इज जीरो और आपको अंदर कुछ भी फंक्शन दिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्टली इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरे को जीरो टू ए। अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें इजी क्या हुआ, ये तो आपने टफ बना दिया, एक्स के साथ आपने एक ए और ऐड कर दिया, उसके बाद भी उसको इंटीग्रेट करना है, इसमें तो कुछ सिंपल हुआ ही नहीं। इसमें सिंपल कुछ नहीं हुआ, आई एग्री, लेकिन ये एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जहाँ पर इस तरह की आपको लिमिट दी होगी वहाँ अंदर का टर्म बहुत टफ होगा जो आप नॉर्मली सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसमें इस तरह से एड ऑन कर देंगे ए को तब आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसके एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू टाइम मैं आपको काफ़ी सारे करवा दूंगी, नो नीड टू पैनिक, बट अभी आपको इम्पोर्टेंट है इस तरह की ट्रिक्स बता देना, ताकि अगर एग्जाम में आ जाता है कुछ ऐसा तो आप इजीली कर सकें, ओके। ना नेक्स्ट इज सपोज आपको गिवन है अगेन ए टू बी, अंदर है कोई फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा ए टू बी एफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, ओके। अब हम बोलेंगे कि मैम ये तो सिर्फ एफ एक्स था, आपने अंदर का टर्म और टफ कर दिया। देखिए ये टफ आपको देखने में लग रहा है, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से सॉल्व करने में आपका बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। बाकी अभी जब क्वेश्चन आएंगे उस तरह के तब हम उसको कर लेंगे सॉल्व, ठीक है। बट हाँ इसमें ना देखिए ये लिमिट एंड लिमिट इन दोनों का सम माइनस है, लेकिन इसमें ना आपको एक चीज़ याद रखनी होगी क्या, कि आपका जो फंक्शन है ना, जो फंक्शन है वो डिफाइंड लिमिट में आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, फंक्शन इन डिफाइंड लिमिट मस्ट बी कंटिन्यूअस। आप बोलोगे कि मैम ये तो बड़ा झंझट है, इतना हम कहाँ एग्जाम में चेक करेंगे, इतना टाइम कहाँ होता है, तो देखिए वही होती है प्रैक्टिस, कि आपको अगर प्रैक्टिस होता है तो आपको देखते ही समझ में आ जाता है कि इसमें हमें क्या लगाना है, क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप बैठ के उसमें सारे फॉर्मूला और सब लगा के देखते रहिए, आंसर नहीं निकलता है, और अगर आपको प्रैक्टिस होती है तो आपका बहुत क्विक आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, आप कितना करते हैं। इसके बाद अभी हम चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज पे।
ये है कि इन क्वेश्चंस को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तभी वो ज़्यादा इजीली और अच्छी तरह से आप सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज तो फिर उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्या करना है आगे, ठीक है। मतलब वो सोल्यूशन नहीं निकलता है फिर उनको सॉल्व करने के लिए ना, कुछ समझ नहीं आता है। अच्छा ये एक बहुत है, इसकी ट्रिक आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब एफ एक्स ठीक से रखा है यहाँ पे, एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरह का अगर आपको टर्म दिया हुआ है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आता है, यहाँ पे आपका बहुत सिंपल आंसर आता है b माइनस ए बाई टू, बस प्लस, दिस इज योर आंसर, खत्म बात, कोई इसमें आगे कुछ नहीं आता, आपका सिर्फ इतना आंसर आता है। ओके ये बहुत अच्छी लगी होगी है ना, बहुत डायरेक्ट लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा, है ना। पर इतना ईजी देते नहीं है एग्जाम वाले, वो बहुत चलाक होते हैं, या इसको भी देंगे तो इतना टफ बना देंगे कि वो समझ ही नहीं आता है कि वो क्वेश्चन में क्या दिया है, ठीक है भाई। अब इसके बाद ना एक क्वेश्चन आप, एक क्वेश्चन नहीं एक्चुअली एक चीज़ आप समझिए, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का केस, ठीक है। आपका फंक्शन इवन कब होता है और आपका फंक्शन ऑड कब होता है, देखिए अगर आपको एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, ठीक है, और ये अगर इक्वल्स टू है फंक्शन एफ माइनस एक्स के, ठीक है, तो आपका ये जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, इवन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको देती हूँ कॉस एक्स, फंक्शन आपका कॉस एक्स है, तो आपका कॉस माइनस एक्स भी आपको इसको आपका क्या आ जाता है, कॉस एक्स आ जाता है, ठीक है। तो आपकी दोनों आपस में इक्वल हो गए, दैट मीन्स ये फंक्शन कैसा हो गया आपका, इवन फंक्शन। वहीं अगर हम ऑड फंक्शंस की बात करें तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, अगर आपका फंक्शन एफ माइनस एक्स लिख दिया है तो उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका ये जो माइनस का साइन है वो उसके साथ रह जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं आपको साइन माइनस एक्स दे देती हूँ तो साइन माइनस एक्स को जब आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये तो आपका ये कौन सा होता है, ऑड फंक्शन। तो ये याद रखिए, साइन इज द ऑड फंक्शन एंड इवन इज द एंड कॉस इज द इवन फंक्शन। बाकी कैसे इसको देखना देखना है आपको, कैसे चेक करना है ये मैंने आपको बता दिया, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इवन एंड ऑड फंक्शन की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, देखिए अगर आपको इस तरह से गिवन है, एक कोई आपको गिवन है माइनस ए टू ए, अच्छा ये नंबरिंग हो सकता है आगे पीछे चल रही हो तो मुझे क्योंकि याद नहीं पिछले में क्या नंबरिंग थी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, टू, अगर आपके पास एफ एक्स जो है ये इवन है, ठीक है, मान लीजिए अगर यहाँ पर आपको कॉस दिया हुआ है, ठीक है, या फिर आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर में क्या आएगा, आपका स्क्वायर कंज्यूम हो जाता है, माइनस का साइन कंज्यूम हो जाता है स्क्वायर के केस में, तो आपका वो इवन फंक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर आप इसको टू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक। बाकी नहीं पहचान पाए तो अपने कन्वेंशनल मेथड से चल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बस ये थोड़ा जल्दी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व। अब आप बोलोगे जल्दी कैसे हो जाता है, देखिए जल्दी ऐसे हो जाता है कि आपका माइनस ए जो होता है ना, आप इसको भी रखोगे, सपोज एक बड़ा सा फंक्शन आपका इस तरह से सॉल्व कर कर आ गया, या इस तरह से कुछ बड़ा सा फंक्शन और आ गया इसमें, तो इसमें आप पहले अपर लिमिट चेक करोगे, फिर लोअर लिमिट रखोगे सारी, फिर माइनस का साइन लगाओगे, एंड माइनस का साइन में भी फिर लिमिट माइनस में, तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है सॉल्व करना उसको, कॉम्प्लिकेट से ज़्यादा बोलूँगी कि टाइम टेकिंग होता है बस थोड़ा सा। तो अगर आप कोई माइनस का साइन हटा के डायरेक्टली आपको जीरो मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है, तो जीरो से एक ही लिमिट लगानी है तो आपके माइनस के साइन वाली लोअर लिमिट के तो सारे कैसे आपके डायरेक्टली जीरो ही हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में जीरो हो जाएगा, अगर कुछ साथ में प्लस प्लस का रहता है कॉन्स्टेंट लाइक वन या टू तो बस वही आएगा, बाकी तो सब जीरो हो जाएगा, एंड आपका अपर लिमिट को पुट करके जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा उसमें बस टू मल्टीप्लाई कर दो, हो गया सॉल्व। एंड ऑड के केस में तो और भी इजी रहता है, ऑड के केस में डायरेक्टली आंसर जीरो हो जाता है, ठीक है, व्हेन एफ एक्स इज ऑड, ठीक है। अगर यहाँ पर साइन एक्स होता है और इस तरह का होता है माइनस ए टू ए आपकी लिमिट होती है तो आपका ऑड के केस में डायरेक्टली जीरो हो जाता है, ओके। अच्छा अब अगर आपका फंक्शन एक और होता है, वो मुझे भी पहले ही बताना चाहिए था आपको, एक तरह का और फंक्शन होता है जो ना ही ऑड होता है ना ही आपका इवन होता है, तो वहाँ पर हमारा एज इट इज रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन ट्रिक्स थी, फॉर्मूलाज थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम अपने कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इम्पोर्ट मतलब ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट और अच्छी तरह से, और क्वेश्चन तो मैं क्या बताऊंगी आपको, मैं बेसिकली आपको ये चीज़ें बता दूंगी कि आपको किस
कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्वेश्चन के थ्रू ना, क्योंकि वो ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं वही क्वेश्चंस और उनके हमें आंसर्स पता होते हैं। जैसे चलिए एक क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो सपोज एक क्वेश्चन राइट डाउन कीजिए आप, आपकी लिमिट का है 1/√(1−x²dx)। ठीक है, इसको सॉल्व करना है आपको, तो आप कैसे करेंगे? देखिए अगर मैं बात करूँ ये हमारा किसका फंक्शन हो, किसका होता है ये डिफरेंशिएशन, अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का, मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन हमारा क्या आता है 1/√(1−x²) आता है ना, तो इसको यहाँ पर अगर हम पुट कर देंगे तो 0 to π 1 इंटीग्रेट करने के बाद यह आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स और 0 to 1/2 आपकी लिमिट। अब इसमें आप लिमिट पुट कीजिए तो साइन इनवर्स 1/2 − sin−1 0। ठीक है, साइन इनवर्स 0 होता है सबको पता है, तो हमारा 0 हो जाएगा। एंड साइन इनवर्स 1/2 आपका कब आता है? साइन इनवर्स 1/2 का मतलब देखिए आप इस तरह से समझिए, लाइक आपका है साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा आपका कितना आ जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, तो आप ये देखिए साइन की ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जब आपका जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, कौन से एंगल पे? तो हमें पता है वो होता है एंगल हमारा π/6। ठीक है, π/6 मतलब 30 डिग्री। ओके, कैसे निकालते हैं हम? देखिए π/6 हमारा एंगल है, इसको 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 30। ठीक है, तो यह आपका कितना होता है, मतलब 80/π से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई से पाई कट जाता है एंड 180/6 को आप ऐसे लिख सकते हैं, तो π/6। तो फाइनल आंसर कितना आ गया इसका? π/6 + c। अब इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट था? आपको सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला पता होना, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करने के लिए। अभी मैंने आपको जो ट्रिक्स बताई हैं उन पे बेस्ड भी मैं एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को, उसके बाद ही मज़ा आएगा। अब सपोज ये आपको log 2 से log 3 दे रखा है, पहले तो आप इसकी लिमिट देख के डर गए, अरे बाप रे ऐसी लिमिट को सॉल्व कैसे करेंगे, अभी क्वेश्चन देख के तो और डर लगेगा। e^x + e^x dx 1+e^x dx। ठीक है, इसको सॉल्व करना है कैसे करेंगे बताइए। आपको इसको देखते ही दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला या कोई बेसिक फॉर्मूला कुछ भी समझ में आ रहा है, तो देखिए इसको देख के मेरे दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ क्लिक करती है वो ये कि हमारे जो नीचे वाला टर्म है ना, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर वाला ऑप्टेन हो जाएगा। कैसे? देखिए 1+e^x को अगर हम टी पुट कर देते हैं तो 1 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0, प्लस ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ex इक्वल्स टू dt/dx, तो यह आ जाएगा आपका e^x dx इक्वल्स टू dt। तो मतलब नीचे वाला जो फंक्शन है ऊपर इसका हमें डिफरेंशिएशन गिवन है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हमारा इस तरह से फंक्शन गिवन होता है f(x/f(x)dx, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है? डायरेक्टली log(f(x)। ठीक है, ये आंसर आता है, मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन वो लिमिट वाले क्वेश्चन में नहीं बताया था, मैंने आपको जनरल में बताया था ये वाला रूल। और मैंने आपको बताया था अगर लिमिट दे रखा हो तो कुछ नहीं, बस हम फिर डायरेक्टली इसमें अपना यहाँ लिमिट पुट कर देंगे। तो इसीलिए इसको कैसे लिख सकते हैं सॉल्व करेंगे, तो नीड भी नहीं है पूरा ये मेथड करने की, आपको देख के पता चल गया अगर सब्सटीट्यूशन लग सकता है यहाँ पर, तो log(1+e^x) और ये आ गया आपका क्या यहाँ पर? लिमिट। लिमिट आपका कहाँ लगेगा इस पूरे पे? log 2 log 3। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर लीजिएगा, इसमें यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो आ जाएगा आपका log 1+e^ पहले log 3। ठीक है, माइनस log इस टर्म को दोबारा से 1+e^log 2। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये e है और ये log है, तो ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? log 1+3 − log 1+2। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? log 4 − log 3। एंड माइनस का साइन है तो हम इसको इस, और यहाँ पर लॉग है दोनों टर्म्स में, तो हम कैसे लिख सकते हैं लॉग को? log 4/3। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए देखने में कितना डिफिकल्ट लग रहा था, बाकी अगर आपको सिर्फ ये ट्रिक पता है या आपने क्रैक कर लिया कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा, तो इस क्वेश्चन में फिर आगे कुछ भी नहीं था, एक सेकंड का क्वेश्चन था। तो दैट इज़ प्रैक्टिस की आपकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप समझ पाए कि यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन लगेगा मेथड, तो आप इजीली कर लेंगे। बाकी अगर आप नहीं समझ पाए कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड्स आप कर सकते हैं, तो फिर यू हैव टू प्ले विद सम ट्रिक्स और सम फॉर्मूलाज, हो सकता है आंसर आ जाए और हो सकता है ना आए, बट इट्स टोटली डिपेंड कि आप कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं।
ठीक है, मुझे देखते ही समझ में आ गया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इसीलिए। अब एक मिनट, लेट मी क्लियर द कैनवास, तो उसके बाद फिर मैं कुछ क्वेश्चन और लेती हूँ, मैं टाइम चेक कर दी कितना। अरे अभी तो आधे घंटा हुआ, अभी तो है, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नहीं, इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 अपॉन में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, आप इस क्वेश्चन को देखिए क्या यहाँ पे समझ पा रहे हैं, या आप क्या इसमें कर सकते हैं, कुछ भी आपको दिमाग में आ रहा हो इसको सॉल्व करके देखिए। ज़्यादातर जो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं ना, वो किस चीज़ से करते हैं, अगर आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है कि हम cos x को, हैप्पीनेस x होता होगा, अब इस ई एक्स को लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, वह आप पता नहीं क्या 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 कहानी करते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा अलग मेथड करते हैं। हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, हम सिर्फ उसी के हिसाब से जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है हम वो करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पावर है माइनस की पावर माइनस एक्स, ठीक है, लेकिन हम पॉजिटिव में सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स करके तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, तो पॉजिटिव में करने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे नॉमिनेटर में माइनस एक्स होता है तो एक तरीका इसको ऊपर ले जाएं, लेकिन हम ऊपर नहीं ले जा सकते, क्यों, क्योंकि हमारा साथ में ये टर्म भी है। तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को अगर हम वन अपॉन e की पावर एक्स लिख दें, तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये यहाँ से और नीचे उतर कर आ जाएगा, और फिर ये आगे इन फ्यूचर जैसे भी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर एक्स प्लस वन अपॉन में e की पावर एक्स, पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, 0 to 1, 1 अपॉन में e की पावर x प्लस 1 अपॉन में e की पावर x। अब ये e की पावर x यहाँ डिनोमिनेटर से यहाँ ऊपर न्यूमिनेटर में आ सकता है, उसके लिए लिख देते हैं 0 की पावर 1। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी गाइस, ये क्योंकि e की पावर x इंटू e की पावर x हो जाएगा ना, तो e की पावर x का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन में e की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके इस वाले जो मैंने आपको बताया है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जिसमें है एफ डैश एक्स अपॉन में 1 प्लस f(x) का होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स f(x), ये वाला भी, सॉरी यहाँ पर f(x) प्लस सी, ये मैंने भी आपको एक ट्रिक लिखवाई थी, वहाँ पर लिखवाया था ये वाला फॉर्मूला। तो आप देखिए, आप इसको उससे रिलेट कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, देखिए f(x) का स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी आपका f(x), इसको मान लीजिए स्क्वायर मान लीजिए, साथ में आपका 1 हो गया, ठीक है। इससे नहीं फ़र्क पड़ता कि इस तरफ लिखा है इस तरफ लिखा है, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है ना, प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किधर भी लिख दो, ठीक है। एंड अगर हम इसको देखेंगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं जाके डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा। आप इसको अगर t मान लेते हैं, 1 प्लस e की पावर x का होल स्क्वायर को आप t मान लेते हैं, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 की पावर ex dx इक्वल्स टू dt, इतना इक्वल्स टू आपका dt के बराबर आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं आप अगर इसका इंटीग्रेट इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा, सॉरी नॉट द स्क्वायर वाला, सॉरी स्क्वायर ले लेंगे ना हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे अगर तो हम सिर्फ fx के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ये fx जो है आपका इतना इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होना चाहिए, ये जो fx है, ये वाला fx, ये fx, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ ऊपर होना चाहिए। तो हम देखेंगे e की पावर x है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन ऊपर e की पावर x है, ठीक है। अब इसको अगर आपको मैंने क्या बताया ट्रिक, सिंपल सा tan इनवर्स fx प्लस c, ठीक, इसको आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, tan इनवर्स fx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्या है हमारा यहाँ पर fx, ex है, तो हम ex लिख देते हैं। अब आपका इतना सॉल्व हो गया, बट सिंस हमारा ये है डेफिनेट इंटीग्रल और हमें साथ में लिमिट भी दी हुई है, तो हम यहाँ लिमिट भी लिखेंगे। अच्छा, यहाँ तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा है, लिमिट भी लगाएंगे। अब लिमिट लगा दी तो चलिए लिमिट की वैल्यू फिट करते हैं, tan इनवर्स e की पावर 1 माइनस tan इनवर्स e की पावर 0, ठीक है। किसी भी टर्म की अगर पावर जीरो हो, लाइक एक्स की पावर जीरो है या वन की पावर जीरो है या टू की पावर जीरो है, तो ये हमारा क्या होता है, इक्वल्स टू वन होता है अगर हमारे किसी भी चीज़ की पावर जीरो होती है। तो यहाँ पर हम वही रूल फॉलो करते हुए लिख सकते हैं, tan इनवर्स e की पावर 1 आप e लिख सकते हो, माइनस tan इनवर्स
e की पावर 0 को आप 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ आपने 1 लिख दिया। अब हमें पता है कि अगर हमारा tan थीटा इक्वल्स टू 1 है, थीटा इन्वर्स में कब आएगा आपका, तो मतलब tan की वो कौन सी वैल्यू होती है, tan का वो कौन सा एंगल होता है जब आपका वैल्यू 1 होती है, तो कौन सा एंगल होता है जब 1 होती है, हमें पता है 45 डिग्री, जिसको हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं। तो हम इन्वर्स e माइनस पाई बाई 4 ऐसे हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक आंसर इसका, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है, पता है डायरेक्टली आपको ये चीज़ दी हुई होती है ना, तो आपका ये आंसर होता है। एंड आप कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, और अगर आपका ये वाला फॉर्म बन जाता है क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो डायरेक्ट आप उसकी जगह ये पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन की, पूरा इतना बड़ा इंटीग्रेशन करने की बजाय, तो आपका बहुत लेंथी क्वेश्चन होता है, उसमें सिर्फ एक ये छोटी सी फॉर्म बनती है। तो वही मैंने बताया ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स होते हैं जो आपके आगे थोड़े बड़े बड़े इंटीग्रेशन आते हैं ना, उनमें यूज़ होते हैं। बाकी आपका चॉइस है, आप बिल्कुल नॉर्मल तरीके से भी आगे चल सकते हो, योर कॉल, चाहे तो आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रख सकते हो। बट स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने का तरीका, रटना इसका तरीका नहीं है, रट नहीं सकते, प्रैक्टिस ही सिर्फ एक तरीका है जो आप कर सकते हो। अच्छा चलिए, अब एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको लिमिट है 2 to 7 अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 9 माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताइए। वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए। देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, ये देखने में इतना टफ लग रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आपका बन नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं बन सकता। ये जो x की पावर n वाला फॉर्मूला होता है ना, अगर मैं सिर्फ आपको ये x dx लिख के दे दूँ, 0 to 1 2 to 7 लिमिट, ये इससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, मतलब कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल, एक छोटा सा काम भी नहीं करना है इसमें। मैंने आपको एक रूल लिखवाया था, जिसमें मैंने आपको क्या लिखवाया था, अगर हमारा इस तरह से है टर्म ए टू बी एफ एक्स प्लस एफ बी प्लस ए माइनस एक्स डी एक्स, तो हमारा आंसर होता है बी माइनस ए बाई टू, ये चीज़ लिखवाई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो टर्म 9 है, ये हमारा इसका और इसका सम है क्या? देखिए अगर हम करेंगे 7 plus 2 equals to 9, पहले तो आपके दिमाग में यहीं क्लिक कर जाना चाहिए था जब आपने ऐसा एक टर्म देखा। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमारे जो बाकी के टर्म्स बचे, लाइक ये रूट एक्स, ये रूट एक्स, ये रूट एक्स, ये तीनों चीज़ें सिमिलर हो गई, तो हमारा कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है। तो इसके लिए अब हमें कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, 7 minus 2 by 2 equals to 5 by 2 इज द आंसर। और मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि ATC के एग्ज़ाम में शायद इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, और उसमें जो आपको क्वेश्चन आया था वहाँ पे कुछ ऐसे कुछ गिवन था, लाइक अगर यही फंक्शन मैं मान लूँ, यहाँ पे कुछ पावर्स बहुत बड़ी बड़ी दी हुई थी, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है, पता नहीं ATC के एग्ज़ाम में आया था या गेट के एग्ज़ाम में आया था या कोई और एग्ज़ाम में आया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली किस एग्जाम में था, बट ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है। यहाँ पर कुछ बड़ी पावर थी, ये नहीं एग्जैक्ट पावर थी बट कुछ और ऐसी बड़ी सी पावर्स थी, तो इसका आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 4 3 7 7 16, ठीक है। ये आपको ऐसे बड़ा सा कुछ पावर गिवन था, तो अब बच्चे ये बड़ी बड़ी सी कि इतना बड़ा बड़ा पावर पुट करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, पहले तो इतना टफ सा तो ये दिख ही रहा है इंटीग्रेशन दिखने में, कैसे सॉल्व करोगे इसको, उसके बाद सॉल्व भी कर लो तो उसके बाद इतनी बड़ी बड़ी पावर्स कौन पुट करके सॉल्व करेगा उसमें। तो ज़्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, और जिसको ये ट्रिक पता थी उसने सिर्फ क्या किया, 412 minus 356 by 2 कितना आ जाएगा, 12 में 6 गया 6 5 by 2 आ गया आपका आंसर। जिसको आता था उसका एक सेकंड में आंसर निकल गया, और बाकी जिसको नहीं आता था वो बेचारे लगे रहे और कुछ नहीं हुआ, उनका फाइनली आंसर भी नहीं आया। डर जाते हैं ना यार, आप इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख के पहले डर जाते हैं बच्चे। अच्छा एक क्वेश्चन इसमें से सॉल्व करना आप अपना, देखती हूँ अभी।
ठीक है, या आपको क्वेश्चन है इसको सॉल्व करना, मतलब कुछ टफ नहीं है क्वेश्चन में, एक सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद और कुछ क्वेश्चन आपको करवा देती हूँ मैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, ज़रा देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन एक देखते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन 0 to π x साइन x अपॉन 1 cos² x dx। अब बताइए इसको आप कर सकते हैं? पूछिए। देखिए आप अगर इसको इस चीज़ से रिलेट कर रहे हैं, मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था f डैश x अपॉन में 1 fx² dx, ठीक है, तो आप इससे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एक टर्म x और है साथ में। अगर ये x नहीं होता तो आप 100% इस क्वेश्चन को आप इस फॉर्मूले से कर सकते थे, बट ये x भी है साथ में, इससे आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है बताने के लिए आपको कि क्या छोटी छोटी गलतियाँ बच्चे कर जाते हैं। ओके, तो चलिए इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। इन दोनों क्वेश्चंस को मैं होमवर्क में दे दूँगा आपको, ठीक है, इसको मैं फिर क्लास में करवा दूँगी आपको नेक्स्ट क्लास में। ये थोड़ा सा टफ है, आई नो लिटिल बिट ऑन टफ साइड मैं बोलूँगी इस क्वेश्चन को, बट ट्राई कीजिएगा अगर हो जाता है तो। इसको सॉल्व करके ना आपका जो आंसर आएगा, चलिए मैं आंसर बता देती हूँ, आंसर आएगा आपको π² / 4, और ये एक तरह का स्टैंडर्ड रिजल्ट काउंट किया जाता है, मतलब यू कैन इसको ना मेमोराइज कर सकते हैं, यू कैन मेमोराइज इट। इसमें टाइम लेती हूँ, ठीक है, पता हम क्या रहेगा इस क्वेश्चन में। मैं आपको कुछ और एक कुछ इम्पॉर्टेंट और रिजल्ट लिखवा देती हूँ। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है, अभी नहीं कर पाऊंगी इसको, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगी, अभी हो नहीं पाएगा अपना। बाकी मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट एक दो क्वेश्चंस करवा देती हूँ, उनको आप करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको ना गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स लिखवा देती हूँ, बाकी वो आए कैसे वो फिर मैं आपको फिर बता दूंगी कभी। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, लेकिन यार अगर नहीं बताऊंगी ना आपको आई कैसे तो फिर रटना तो पॉसिबल नहीं है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बताइए कैसे कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए मैंने एक चीज़ आपको क्या बताई थी, अगर हमारा फंक्शन इस तरह से गिवन होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक आपको फॉर्मूला मैंने ये बताया था ना, 0 से लेके a, या फिर a से लेके b आप ले लीजिए, चलिए a से लेके b fx dx दे रखा, और आपको बिल्कुल नहीं पता इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आप क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, या इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था हम क्या करें, उस क्वेश्चन में भी आपको यही सेम यही रूल अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया ना कि आपको देखने में लग रहा होगा कि मैम ये तो आपने और टफ करा दिया, लेकिन वो टफ नहीं होता है, वो ईजी हो जाता है क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। fa + b - x dx, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है, इसके बेसिस पे आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप अगर ये वाला ट्रिक इसमें अपनाते हैं इसमें, या इससे पिछले वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क में दिया है साइन और कॉस वाला, उसमें आप इसी ट्रिक से सॉल्व करना, तभी हो पाएगा वो क्वेश्चन सॉल्व। आप इसको लिख दीजिए 0 से π/2 log 10, यहाँ पर लिखिए π/2 को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 to π/2 log 10, इसको कितना आ जाएगा ये π/2 - x, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब हमें पता है 10π/2 - x को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो कॉटेक्स लिख सकते हो इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉटेक्स लिखने में, तो चलिए हम इसको कॉटेक्स लिख देते हैं। इंटीग्रेशन 0 से π/2 log cot x dx। अब बोलोगे मैं इसमें आपने कौन सा तीर उखाड़ लिया, यहाँ पर 10 था, आपने 10 से लाके cot में कर दिया, इसमें क्या ही फर्क पड़ गया। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जहाँ पर आपने रूल लगाया, उसमें आपको एक मानना पड़ता है I1 और दूसरा मानना पड़ता है I2।
और इसके बाद आप क्या करते हैं, आपको आई वन प्लस आई टू करना पड़ता है। आई वन प्लस आई टू आपको याद आ रहा होगा ट्वेल्थ क्लास का इंटीग्रेशन में ये वाली चीज़ होती थी, आई मानते थे फिर आई वन माइनस आई टू या आई वन प्लस आई टू इस तरह से करते थे अकॉर्डिंग टू द जो भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट होता था। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम करते हैं इसको तो हमारे इधर कितना आ जाएगा, टू आई आई वन आई टू मान लीजिए या दोनों को आई मान लीजिए और इसको सिंपली ऐड कर दीजिए, सिर्फ आई आई मान लेती हूँ मैं दोनों को ताकि सॉल्व करने में इजी रहे। और इसको जब आप ऐड करेंगे लॉग टेन एक्स प्लस लॉग कॉट एक्स डी एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बताएं हमारा यहाँ लॉग टेन है, यहाँ पे लॉग कॉट है और बीच में हमारा प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन में क्या होता है और यहाँ पर लॉग लॉग होता है हमारा, तो हमारा वहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं जीरो से पाई बाय टू, और साथ में हम यहाँ पर लिख सकते हैं लॉग, ये अंदर के टर्म मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे पिछली बार क्या था, माइनस था तो हमारा लॉग फोर बाई थ्री आ गया था ना, लॉग फोर बाई थ्री इससे पहले वाले क्वेश्चन में करवाए थे, एक या दो क्वेश्चन पहले वहाँ माइनस का साइन था, तो यहाँ प्लस का साइन होता है लॉग टेन एक्स इंटू कॉट एक्स। होता है आपका वन बाई टेन एक्स होता है, तो आप कॉट एक्स की जगह वन बाई टेन एक्स पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपका जीरो से पाई बाई टू लॉग टेन एक्स इंटू वन बाई टेन एक्स डी एक्स। इसको इससे कट कर दो, कट हो गया, क्या रहा है आपका लास्टली लॉग वन, यहाँ इधर लिख लूँगा इस। ठीक है, यहाँ के बाद मैं फिर अब आगे इधर आ रही हूँ, ठीक, यहाँ के बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ, कभी आप लोग कन्फ्यूज हो जाओ। जीरो से पाई बाई टू लॉग वन, ठीक है, लॉग वन आ गया, लॉग वन डी एक्स। अच्छा, इक्वल में यहाँ टू आई भी चल रहा था ना, टू आई। अब इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आप कब पुट करेंगे, देखिए लॉग वन जो होता है, लॉग वन की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, जीरो होती है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर टू आई इक्वल्स टू जीरो से पाई बाई टू में लॉग वन की वैल्यू जीरो, इंटीग्रेट करो तो जीरो डी एक्स आ जाएगा आपको। ठीक है, इसको फिर आपने अगर यहाँ पर वैल्यू वगैरह पुट कर भी दी अगर कुछ भी, तो आपका फाइनली आंसर तो टू आई इक्वल्स टू जीरो ही आएगा, फाइनल आई भी आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका टेन एक्स की जगह यहाँ पर कॉट एक्स गिवन होता तो भी आप सॉल्व करते इसी तरह से, आपको वो भी जीरो आ जाता। तो यहाँ से हम लास्ट में क्या कंक्लूड करते हैं, एक सेकेंड बोर्ड इरेज हो जाए तो मैं आपको बता दूंगी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं। गाइस, हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि बोर्ड इरेज हो जाए, नहीं हम ये कंक्लूड नहीं करते कि बोर्ड इरेज हो जाए, हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं अगर आपका जीरो टू पाई बाय टू है, पाई बाय टू इज़ व्हाट 90 डिग्री, और यहाँ आपको दिया है लॉग टेन एक्स डी एक्स, या फिर इक्वल्स टू जीरो से पाई बाय टू लॉग कॉट एक्स डी एक्स, इसका आंसर आपका होता है जीरो। ओके, सेम इसी तरह से कुछ और स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हैं, जैसे एक ही रिजल्ट आप और नोट डाउन कर लीजिए, आपको माइनस ए से ए जाना है और आपको यहाँ दिया है अंडर रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर हमेशा आता है ए पाई। ठीक है, इस रिजल्ट को भी एक आप अच्छे से कंक्लूड करके याद रख लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दे देती हूँ, सपोज माइनस कॉस एक्स से लेके आपको जाना है कॉस एक्स तक, कॉस एक्स पे नहीं जाओगे ना, एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे अगर कुछ पाए सेम रहना चाहिए ऊपर नीचे, टू से फोर जाना है आपको अंडर रूट टू प्लस कॉस एक्स अपॉन में टू माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, माइनस टू से प्लस टू, हाँ आप कॉस के साथ जा सकते थे। ओके, इसका आंसर आपका डायरेक्टली क्या आ जाएगा, कॉस एक्स पाई कॉस एक्स प्लस, या सपोज अगर आपको इस तरह से गिवन है माइनस कॉस पाई बाई सिक्स से लेके आपको जाना है कॉस पाई बाई सिक्स तक, और अंदर आपको जो आंसर क्वेश्चन में गिवन है वो है कॉस पाई बाई सिक्स माइनस साइन पाई बाई थ्री अपॉन में कॉस पाई बाई सिक्स, ऊपर प्लस है ना, सॉरी प्लस, नीचे माइनस का साइन पाई बाई थ्री डी एक्स। ठीक
ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब देखने में देखो कितना टफ और डिफिकल्ट सा लग रहा है, आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे इसको सॉल्व अगर ऐसे आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना चाहोगे, इतना डिफिकल्ट हो जाएगा। लाइक इस पूरे नीचे वाले को आप सबसे टी मानोगे, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, फिर भी नहीं निकलेगा क्योंकि अंडर रूट का साइनस आप लें, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हमें ट्रिक पता है तो हम डायरेक्टली उस ट्रिक की हेल्प से इसका आंसर क्या दे सकते हैं, पाई साइन पाई बाई थ्री। बस अब ये कैसे आता है इसका भी पूरा है मतलब प्रॉपर तरीका है इसको भी सॉल्व करके निकालने का, आप चाहें तो खुद ट्राई करके निकाल भी सकते हैं, पर अभी टाइम नहीं है तो मैं पूरे उस मेथड में नहीं जा रही हूँ। सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट, कि अगर यहाँ पर आपको ऊपर माइनस होता एंड नीचे प्लस होता तो भी ये इक्वेशन इतनी ही वैलिड रहती, ठीक है। सपोज यहाँ पर प्लस की जगह यहाँ माइनस का साइन रहता और यहाँ प्लस का साइन होता तो भी आंसर आपको यही आता। ओके, सो एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आप याद रखिए। एक और चीज़ बताना चाहूँगी, ये आपका एग्जाम में आता है क्वेश्चन बहुत, पर ये आया भी है आपके एटीसी में, ये मैं पक्का श्योर हूँ एटीसी में क्वेश्चन आया है आपको, अगर दिया है 0 से लेके π/2, ओके π/2 ध्यान रखना, एंड यहाँ पे दिया है साइन की पावर π/dx, इसका आंसर बताना है, ठीक है। यू कैन गो विद द मेथड और जो आपका एक मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, फिर आपकी कॉस की वैल्यू आई है, आप वहाँ पर वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा मेथड और भी, इस तरह के कई क्वेश्चंस आते हैं, ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है। आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, अगर आपके ऊपर पावर है, एक सेकंड, ऊपर आपकी जो भी पावर है, ठीक है, आप न्यूमरेटर में इससे एक पावर कम, ठीक है, -1 इससे एक पावर कम रखेंगे 4, फिर 3, 2 और कब तक रखेंगे, जब तक आपका आएगा 1, ठीक है, फोर इंटू एक पावर कम कर दी ना, अब एक टर्म छोड़ेंगे बीच में 2, अब इंटू 1 के बाद 0 तो हमें लिखना नहीं है, तो हम यहाँ पे खत्म कर देंगे। और नीचे हम क्या करेंगे, सिमिलरली नीचे चलेंगे, लेकिन नीचे हम एज इट इज़ यही पावर लिख देंगे, बड़ा चीज़ हम नीचे रखेंगे ताकि उसका लोड संभाल सके पूरे का, याद रखने के लिए सिर्फ बता रही हूँ लोड संभाल सके, बाकी एक ट्रिक है ये बस। नीचे 5 लिखा इंटू, फिर एक टर्म छोड़ेंगे 3 लिख देंगे, और इसको आप लिखेंगे तो आपका 8/15। अब चाहे आप इसको नॉर्मल मेथड से करके देख लीजिए, 5 sin x आ जाएगा, 6x/6 आ जाएगा, इंटू आपका कॉस आ जाएगा साइन एक्स की जगह, उसमें वैल्यू आप पुट करके सॉल्व करके देखेंगे, आपका यही आंसर आएगा। ये शॉर्टकट ट्रिक है। अब सपोज आपको दे देती हूँ 0π/2 कॉस की पावर 7x dx, इसका बताइए आप लोग, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दूँ, होमवर्क नहीं दे रही, खुद ही करवा देती हूँ मैं, अदरवाइज फिर पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। न्यूमरेटर में मैंने क्या बताया, एक पावर कम इंटू एक टर्म छोड़ेंगे हम क्या जाएगा 4, फिर एक टर्म और छोड़ेंगे क्या जाएगा 2 डिवाइड बाय, नीचे एज इट इज़ यही पावर 7 इंटू एक टर्म छोड़ेंगे क्या जाएगा 5, फिर एक टर्म छोड़ेंगे क्या जाएगा आपका 3। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके लिख लीजिए, लेकिन पहले हमने देखा कि हमारे यहाँ पर कट हो जाएगा, तो हम इसको काट लेंगे ताकि ईजी हो जाए हमारा, तो आपका क्या जाएगा 4 2 8 2 16 अप॑न में 7 5 30। सो दिस इज योर आंसर, सिंपल सा। अभी आपको दिख रहा है कि टाइम लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है। ये आपका इस तरह की पावर में आ गया, लाइक अगर आपको ऑड पावर गिवन हो, ठीक है। अब अगर आपको इवन पावर गिवन होती है 2 4 6 8, तो आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए वहाँ क्या करेंगे आप, कुछ नहीं करेंगे आप, ना पावर से मत याद रखिए कि ऑड पावर में हम क्या करेंगे, इवन पावर में क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आपकी कोई भी पावर हो, आपका रूल सेम है, ठीक है। इवन ऑड के चक्कर में मत पढ़ना, कुछ लोग इसको इवन ऑड पावर करके पढ़ाते हैं कि इवन पावर होगी तो फिर उसमें से इवन माइनस करेंगे, फिर ऑड पावर है तो उसमें से ऑड टर्म माइनस करेंगे, उस समय मत जाओ, सिंपल जो अभी बताया आप वही याद रखो। अब अगर आपको कॉस की पावर 8x dx दिया है, तो क्या बताया मैंने आपको कैसे करना है, हमें न्यूमरेटर में एक टर्म कम लिखेंगे 7 आ जाएगा, इंटू एक टर्म कम इसके 5, एक टर्म कम 3, ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू 1 भी आएगा ना, हम लिखते नहीं है क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है, बट आता तो 1 भी है, एंड डिनोमिनेटर में मैंने क्या बताया आपको, हमारा एज इट इज़ इसी पावर से शुरू करेंगे, फिर एक टर्म छोड़ा 6, फिर एक टर्म छोड़ा 4, फिर एक टर्म छोड़ा 2। छोड़ेंगे क्यों हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो हमने टर्म छोड़ा है वो ऊपर लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ टर्म छोड़ा है वो ऊपर लिखा हुआ है। अब सपोज हम सीरीज में सारे टर्म्स लिख देंगे तो वो ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा,
इसीलिए हम एक एक टर्म छोड़कर लिखते हैं। अब कुछ लोग आपको ऐसे समझाते हैं कि अगर ऊपर आपकी ऑड पावर है तो हम यहाँ उससे छोटी जो इवन पावर आती है वहाँ से शुरू करते हैं। अरे क्या ज़रूरत है उतना याद रखने का, इवन पावर ऑड पावर कम है क्या रटने के लिए चीज़ें? सिंपल से इतना याद रखो, आपकी कोई भी पावर है, इवन पावर है चाहे ऑड पावर है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में एक नंबर कम 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 करके लिखते हैं और डिनोमिनेटर में हम सेम उसी नंबर से स्टार्ट करते हैं, और फिर हमने जिससे भी स्टार्ट किया उसमें एक एक नंबर छोड़कर लिखते हैं एंड तक, बिल्कुल जो एंड का नंबर रहता है। इसमें आपका टू एंड का नंबर रहता है, इसमें आपका वन एंड का नंबर रहता है, क्योंकि टू के बाद फिर आप एक टर्म छोड़ के जीरो लिख देंगे तो फिर तो आपका जीरो हो जाएगा, वो लिख नहीं सकते। तो अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वन और ये यहाँ पे कट के आ जाएगा टू, तो आप लिख सकते हैं 35 अपॉन में 2 8 16, 16 4 आपका कितना आएगा 64 2 256। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। लेकिन अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यह आप नोट डाल के लिखिए। पावर के साथ लोग कंफ्यूज करते हैं, वो कंफ्यूजन नहीं होना है। नोट यहाँ पर आपको क्या लिखना है कि अगर आपकी ऑड पावर होती है, ठीक है, तो उस केस, सॉरी यहाँ जीरो से पाई बाई टू लिखना बोल रही हूँ, तो उस केस में ये जो आपका पाई बाई टू है इसको आपको साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 256 में आया ना 128 आया, ये मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे अब आपका आंसर आएगा 35 पाई बाय 256। ठीक है, ये चीज़ कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे कि आपका ये पाई बाय टू कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। ठीक है, ऑड पावर, सॉरी गाइस नहीं वन पावर, सॉरी एक्चुअली टाइम क्या हो गया, 12:20 हो गए ना यार, इसीलिए सुबह उठना पड़ता है जल्दी तो दिमाग चल जाता है, सॉरी। तो इसको डू कंसीडर कि आपका 2 4 6 8 पावर है तो आपका पाई बाय टू से आप मल्टीप्लाई करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फॉर यू प्रैक्टिस दे देती हूँ, कुछ क्वेश्चंस अच्छा एक क्वेश्चन आप और देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगी। अब आपको जीरो से पाई बाय टू लिखा है और यहाँ लिखा है साइन 4x, ठीक है, कॉस 5x dx। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है अगर जीरो से पाई बाय टू साइन 3x कॉस 5x dx, इसको बताइए क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टर्म है हम इसको करते हैं, तो फर्स्ट टर्म के हिसाब से हमने क्या लिखना है, पहले एक पावर कम ऊपर, ठीक है, एक पावर हमने कम लिखी तो 2 × 1। अब हमारा सेकेंड टर्म, अब इस सेकेंड टर्म के हिसाब से हम लिखेंगे, तो इससे एक पावर कम हमने लिखी 4, मल्टीप्लाई के साथ ही लिख देते हैं, इंटू एक पावर और कम, एक टर्म छोड़ के 2 एंड एक और नंबर छोड़ के 1। नीचे एज इट इज़ हम यहीं से स्टार्ट करते हैं तो 3 × यहाँ 1 नहीं आएगा ना गाइस, हाँ यहाँ 1 नहीं आएगा, सॉरी 3 × 1 × अब यहाँ पर यहीं से स्टार्ट करेंगे आप तो 5 × 3 × 1। ठीक है, यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड गाइस, अच्छा एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पर ना गाइस अलग अलग होता है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जहाँ तक अभी मैंने आपको पहले पढ़ाया है ना आप सिर्फ वहाँ तक देखिए। इसमें क्या होता है ना, इसमें हम इन दोनों पावर्स को डिनोमिनेटर के लिए क्या करते हैं, इन दोनों पावर्स को कंबाइन कर देते हैं और उसके हिसाब से फिर नीचे कर लेते हैं। देखिए सॉरी गाइज, इसको थोड़ा सा अपॉलोजी, वो मैंने कंबाइन नहीं करी पावर्स को। क्या पावर थी, क्या क्वेश्चन था आपका, साइन 3x कॉस 5x, यही था ना, 0 से π/2। इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले हम फर्स्ट वाले टर्म के अकॉर्डिंग लिख देंगे 2 × आगे तो जीरो लिखना नहीं है हमें, अब हम इस टर्म के अकॉर्डिंग लिखेंगे 4 × 2 × आगे जीरो तो लिखना नहीं है। अब डिनोमिनेटर के लिए क्या करते हैं, ये जो दोनों पावर हैं इन दोनों पावर्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 8। अब 8 के हिसाब से हम नीचे लिखते हैं 8 × 6 × 4 × 2 × 1
ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए क्या आएगा, आपका टू से आपका टू चला जाएगा, फोर से आपका फोर चला जाएगा, टू वन जा थ्री जा आंसर आ जाएगा आपका 1/24। ठीक है गाइस। सिमिलरली अब आप इस क्वेश्चन को और देखिए, जीरो से फाइव बाई टू अगर मैंने आपको लिखा है यहाँ पर और साथ में लिखा है साइन सिक्स एक्स कॉस फोर एक्स डी एक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसमें यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले फर्स्ट टर्म के हिसाब से हम लिखेंगे न्यूमरेटर में, सिक्स के हिसाब से हम लिखेंगे क्या फाइव इंटू थ्री इंटू वन, एक एक टर्म छोड़ के इंटू फोर के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ फोर इसकी पावर है, फोर के हिसाब से लिखेंगे तो आ जाएगा आपका क्या आएगा थ्री इंटू वन। नीचे मैंने क्या बताया, इन दोनों को ऐड कर कर लिखते हैं तो सिक्स प्लस फोर इक्वल्स टू टेन, तो टेन के हिसाब से लिखेंगे टेन इंटू एट इंटू सिक्स इंटू फोर इंटू टू, ठीक है। अब अगर कुछ कटता है तो आप काट दीजिए, ये वन जा यहाँ पर जा और तो कुछ मेरे ख्याल में कटने का, तो आपका आ जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन और नीचे मल्टीप्लाई करिए टू फोर जा एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन एट जा कितना होता है गाइस आई डोंट नॉट रिमेंबर द फॉर्मूलाज, सिक्स एट जा फोर्टी एट का एट। आप भी सोचते हो यार क्या मैडम नहीं मुझे गलत लग रहा है मेरा, पता नहीं जो भी है, ठीक है आप लोग देख लीजिएगा इसको वन ट्वेंटी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने के लिए क्या है कि हमारी ये जो पावर है ये है इवन, इवन पावर के केस में मैंने आपको क्या बताया हमारा मल्टीप्लाई बाय पाई बाय टू भी होता है, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई बाय पाई बाय टू भी करेंगे तो हमारा आंसर ऊपर कितना आ जाएगा फिफ्टीन पाई बाय, ठीक है। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं कुछ ऊपर नीचे और कट रहा हो यहाँ पे कटना रह गया हो तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। मेन चीज़ आपको यही बताना था यहाँ पाई बाय टू मल्टीप्लाई हुआ, ये वाले पावर में और के केस में आपका पाई बाय टू मल्टीप्लाई नहीं हुआ। बाकी अगर आपको साइन और कॉस इस तरह से टर्म्स दिए हुए हैं तो हम क्या करेंगे, हम इन पावर्स को ऐड कर देंगे नीचे वालों को डिफरेंट टर्म्स को। अच्छा अब आपके कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर मैडम हमारा साइन क्यूब एक्स और साइन फोर एक्स दे रखा होता तो हम क्या करते, अरे भैया तो ये हमारे नीचे का बेस सेम रहता ना तो पावर ऐड हो जाती तो आपका सीधा साइन सेवन एक्स बन जाता, ठीक है। साइन और कॉस ये जब दो अलग टर्म्स आएंगे तो उस केस में हमारे ट्रिक कैसे चलता है, नीचे हमारा दोनों का सम होता है उसके हिसाब से हम करते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप और देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस में, इसके बाद गाइस मैं चैप्टर ना वाइंड अप कर दूंगी इंटीग्रेशन का, तो इसीलिए मैं सोचूंगा जितना हो सके करा देती हूँ, चाहे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी खिंच जाए लेक्चर। जीरो से पाई बाई टू साइन फोर एक्स कॉस फाइव एक्स डी एक्स। अब ये देखिए एक में आ गई आपकी इवन पावर और एक में आ गई आपकी ऑड पावर, अब इसमें क्या करेंगे तो देखिए इसमें न्यूमरेटर में तो हमारा वही ट्रिक चलेगी जो हमेशा से चलती आई है, फोर के साथ हमने लिखा थ्री इंटू वन एंड फाइव के साथ हमने क्या लिखा फोर इंटू टू एंड नीचे डिनोमिनेटर में हमारा क्या होना है इन दोनों का सम कितना जगह नाइन, तो नाइन के हिसाब से हम लिखेंगे यहाँ पर नाइन इंटू सेवन इंटू फाइव इंटू थ्री इंटू वन, ठीक है। थ्री से थ्री कैंसिल और तो कुछ नहीं कर रहा तो फोर टू जा एट अपॉन में आप लिखेंगे इसको फाइव सेवन सा थर्टी फाइव, थर्टी फाइव नाइन सा फाइव फोर फाइव जो ट्वेंटी सेवन और नाइन इकतीस तीन सौ पंद्रह, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि मैम यहाँ पे तो हमारा ये ऑड पावर भी था सॉरी इवन पावर भी था तो हमने यहाँ पर पाई बाय टू का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। गाइज अगर आपका इवन और ऑड दोनों पावर्स हैं तो हम पाई बाय टू से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। पाई बाय टू का मल्टीप्लाई आपका सिर्फ और सिर्फ उस केस में होता है जब आपकी सारी पावर दोनों पावर इवन हो, अगर एक पावर इवन है तो वो आपकी इवन होनी चाहिए और अगर दो पावर्स इवन है तो वो दोनों भी इवन होनी चाहिए, तो उस केस में हम क्या करते हैं पाई बाय टू का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर आपकी पावर अलग है, अगर आपकी इवन पावर है एंड ऑड पावर है तो ऐसे केस में हम पाई बाय टू का मल्टीप्लाई नहीं करते, और आपकी अगर दोनों पावर ऑड पावर्स हैं, ठीक है, तो ऐसे केस में भी हम पाई बाय टू का मल्टीप्लाई नहीं करते, ओके गाइस। ये लास्ट में मैंने आपको हर तरह के करके इसलिए बताया ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाए कि कहाँ आपका क्या होता है। मैं अभी आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देती हूँ रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इज वेल, और इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, मैंने इस तरह का क्वेश्चन देखा है आपका एटीसी के एग्जाम में। जीरो टू पाई बाय टू
ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप और क्वेश्चन से देख लें। मैं सोचती हूँ हर बार साइन पहले लिखूंगी, गलती से कॉस पहले लिख देती हूँ। खैर कोई बात नहीं। ये कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन डाल देती हूँ यहाँ पे, कहीं आपको कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई कहाँ क्वेश्चन शुरू है कहाँ क्वेश्चन एंड है। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चंस, और आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैंने बीच में दो क्वेश्चन और दिए थे एंड आपको कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स बताई हैं। आप चाहें तो उन शॉर्टकट ट्रिक्स को अच्छे से ड्राइव करके सॉल्व करके निकाल सकते हैं, आंसर सॉल्व करके देख सकते हैं, इफ़ यू पीपल वॉन्ट टू डू दैट। बाकी हियर इज द एंड ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम माई साइड। इसके अलावा गाइस आपका एक चीज़ और आती है, वो होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो अगर टाइम रहेगा तो मैं वो भी करवा दूँगी, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं करने के लिए। वैसे इंटीग्रेशन आ गया तो आपको कर लेंगे। इसके बाद गाइज अपना एक चैप्टर आता है वेक्टर कैलकुलस का, लेकिन मैं आपको वेक्टर कैलकुलस नहीं पढ़ाऊंगी अभी, उसको नहीं शुरू करवाऊंगी, जिसमें वेक्टर इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। मैं अभी वो सब नहीं करवाऊंगी आपको। इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली जंप करवा रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस में, क्योंकि मेरा टारगेट था आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक बेसिक आइडिया देना, आपको ये अच्छी से समझ में आ जाए क्या होते हैं, ताकि हम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से करवा सकें। इसके अलावा आपका डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी ATC के एग्जाम में आते हैं, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रही हूँ। आपका डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ATC के एग्जाम में आते हैं, मैंने देखे हैं। बट थिंग इज दैट कि हम इसको बाद में भी कर लेंगे। ये दोनों टॉपिक्स ऐसे हैं कि आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाकी अगर आपको इंटीग्रेशन आ गया तो आप इसको सॉल्व कर लोगे, उसमें कुछ है नहीं सॉल्व करने के लिए। सॉल्व करना नहीं सिखाना है, सिर्फ एक मेथड बताना है कि इस तरह से हम सॉल्व करते हैं इनको एंड आप सॉल्व कर लेंगे इजीली। तो ये हमारा एक दिन का टॉपिक है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा चैप्टर है ना जिसमें आपको अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, इसलिए इसके बाद मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर आपका स्टार्ट कर लूँगी। ओके गाइस, तो अगर आप लोग इस चीज़ से एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करवाऊँ या डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन शुरू करवाऊँ। मेरे हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन पे स्विच करना एक बेटर ऑप्शन है, बाकी आप लोग की जो भी चॉइस है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला लेक्चर फिर मैं आपका परसों या तरसों लूँगी, ताकि आपके कमेंट्स आ जाएँ ठीक ठाक अमाउंट में। बाकी आप लोग तो लेक्चर ही नहीं देखते हो, 10-10, 12-12 व्यूज़ होते हैं, 3 दिन में 30 व्यूज़ होते हैं, मतलब आई डोंट नो व्हाट यू पीपल आर डूइंग एंड लाइक। अगर आप पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ो, नहीं तो फिर छोड़ो, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि एग्ज़ाम निकल जाए, या तो फिर मस्ती करो यार, फिर क्या है कोई इतना नौकरी नहीं करना, ना तो पढ़ ही रहे हो ना तो कुछ और ही कर रहे हो और खींचे जा रहे हो, एग्ज़ाम भी निकल रहा है, कुछ और भी नहीं कर रहे हो, इन्जॉय भी नहीं कर पा रहे हो, इससे बेटर है छोड़ छाड़ के प्राइवेट नौकरी करो, इन्जॉय करो, घूमने जाओ, ठीक है, स्ट्रेसफुल रहेगा ज़िंदगी भर वो अलग चीज़ है। बाकी अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर डेली 30 क्लास करो, वीडियोस डालती हूँ, बच्चे आते ही नहीं हैं, खैर आपका चॉइस है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा एटलीस्ट मोटिवेशन तो मिलता रहे ना करने के लिए। 3 या 4 लाइक आते हैं एक वीडियो पे, तो सोचो 3-4 लाइक सिर्फ
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए गाइस, ठीक है? लाइक तो एटलीस्ट कर दिया करो, क्योंकि नहीं आता है लाइक, बहुत डिमोटिवेटिंग होता है कि मैं इतनी मेहनत से पढ़ के एंड शॉर्टकट्स निकाल के आपको पढ़ाती हूँ और उसके बाद आपका 2-3 लाइक्स, 10-15 व्यूज़, तो लगता है यार किस क्या मेहनत मैं इतनी करती हूँ उसकी, तो आप वन मतलब लाइक कितने बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ 15 बच्चे वीडियोज़ देख रहे हैं। चलो ठीक है, 15 बच्चों को एग्ज़ाम निकलेगा, मैं तो पढ़ाऊँगी क्योंकि इफ़ आई कमिटेड फॉर दिस तो मैं करवाऊँगी इसको, बाकी आप लोग का चॉइस है, ठीक है? चलिए तो हेयर्स द एंड ऑफ द लेक्चर गाइज, बाकी इफ़ यू वॉन्ट एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स और इन द टेलीग्राम ग्रुप, एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा है डिफरेंशियल इक्वेशन या डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड वेक्टर कैलकुलस उस सब में जाना है तो प्लीज़ डू लेट मी नो व्हाटएवर यू वांट टू, वेयर एवर यू वांट टू गो एंड व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी प्लीज़ लेट मी नो, एंड प्लीज़ वॉच द वीडियोज फॉर योर सेक एंड लाइक द वीडियोज फॉर माई सेक, ओके? एंड करती हूँ मैं इसको, थैंक यू।